खैरागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य का 32वां जिला बनाया जा सकता है। फिलहाल राजनांदगांव जिले का एक हिस्सा खैरागढ़ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते गुरुवार को अपने एक दिवसीय खैरागढ़ के दौरे पर थे। यहां खैरागढ़ उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और उपचुनाव को लेकर आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी की, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी के जीतने के 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ को जिला बनाने की बात मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री तामधस साहू, रविंद्र चौबे, कवासी लखमा, शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत और कई विधायक मौजूद थे। सीएम ने कहा कि दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह की प्रतिमा लगाना सहित खैरागढ़ को कई और सुविधा देने और खैरागढ़ क्षेत्र में कई ऐसे कस्बों को उप तहसील और अन्य सुविधा देने की बात कही। जन घोषणा पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की जीत निश्चित है। जन घोषणा पत्र जारी करने के बाद मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक ली। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कई मंत्री और विधायक थे। जन घोषणा पत्र के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने विधानसभा के हिसाब से इसे सेमीफाइनल कहा, जाना गलत नहीं होगा। वहीं खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के साथ खैरागढ़ को जिला बनाने की चुनावी घोषणा पर सियासी संग्राम मच गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को ट्वीट किया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय के उनके वादों को याद दिलाया। मुख्यमंत्री बघेल ने खैरागढ़ उपचुनाव के 3 चुनावी वादों को ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के 24 घंटों के भीतर खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला बनाया जाएगा। साल्हेवारा को पूर्ण तहसील और जलना बांधा को उप तहसील बनाया जाएगा। खैरागढ़ में दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह की आदमकद प्रतिमा लगेगी। मुख्यमंत्री बघेल के ट्वीट को टैग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 3.25 साल में खैरागढ़ छुई खदान गंडई में 1 रुपए का निर्माण नहीं कराया। अब शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता और बकाया बोनस की तरह ही 24 घंटे में जिला बना देंगे। देवव्रत सिंह जब कांग्रेस में थे तब प्रताड़ित किया, अब उनकी प्रतिमा बनाने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के इस ट्वीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप शायद भूल रहे हैं कि ये नवा छत्तीसगढ़ है, जो झुकेगा नहीं रुकेगा नहीं। यहाँ 2 घंटे में किसानों का कर्ज माफ होता है, आदिवासियों की जमीन वापस होती है, फिर 24 घंटे तो बहुत है। आप बस देखते जाए, जिला भी बनेगा, बनकर रहेगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब कांग्रेस पार्टी ब्लैकमेलिंग भी करने लगी। यदि खैरागढ़ हारेंगे तो जिला नहीं बनेगा। ये तो खैरागढ़ की जनता और लोकतंत्र दोनों का अपमान है। आप और आपकी पार्टी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों खो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।